हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित और दीपिका आर्य के बीच में हो चुकी है कंट्रोवर्सी स्टार्ट। और इसको कंट्रोवर्सी को भाई कराने वाले कौन हैं? अरमान मलिक। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी तभी स्टार्ट हुई जब अरमान मलिक ने चंद्रिका दीक्षित के आगे कैमरा करके ज़बरदस्ती पूछा, बता तो किस व्लॉगर को और किस फेस को देखना नहीं चाहती है कभी भी? तो वो बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती किसको नहीं देखना चाहती है, तो उसने बोल दिया, मैं तहलका प्रैंक को नहीं देखना चाहती हूँ कभी भी। अब इसी पे ही दीपिका आर्य को गुस्सा आ गया और उसने एक इंस्टा पे अपनी रील अपलोड की कि भाई तुझसे कह कौन रहा है कि तू हमें देखे, जब तुझे कल मदद की ज़रूरत थी तब तू आ गई थी, तब तूने फ़ोन किया था, और अब तू कितनी ऐशान फरामोश है कि अब तू कह रही है मैं देखना नहीं चाहती हूँ, तो कौन कह रहा है तुझसे देख मत देख। इसी पे चंद्रिका दीक्षित ने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद दीपिका ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर से चंद्रिका दीक्षित एक इंटरव्यू दे रही है। तो जो चंद्रिका दीक्षित है अब वो कहती है कि भाई जो हमारी हिंदू संस्कृति की औरतें होती हैं वो अपने पति को ऐसे बीच रोड में थप्पड़ नहीं मारती है जैसे ये दीपिका आर्या मारती है, और हमारी हिंदू संस्कृति में पति की इज्जत की जाती है, ये तो अपने पति के थपाड़े मारती है रास्ते में, और ये इसको कंटेंट का नाम दे देगी। और जो इसके साथ जो तहलका प्रैंक के साथ कुछ लोग काम करते थे उन्होंने मेरी हेल्प की है, तहलका ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है। तहलका ने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम से बोला था कि जाओ एक लड़की वायरल हो रही है वड़ा पाव बेच के बहुत ज़्यादा, तुम भी जाओ व्यूज़ कमा के आओ। लेकिन ये लोग मेरे पास आए और उस दिन से ये लोग मेरे साथ हैं, उनकी टीम को छोड़ चुके हैं और मेरी टीम में आ चुके हैं। यहीं पे दीपिका आर्य का कहने का मतलब ने कहा है कि भाई तू हिंदू संस्कृति लोगों को सिखा रही है कि हिंदू संस्कृति में थप्पड़ नहीं मारते, तो जो तू रोड पे चुन्नी उतार उतार के घूम रही थी कॉन्ट्रोवर्सी तब तू कर रही थी, तब तेरी ये संस्कृति और सभ्यता कहाँ गई थी? और उस वक्त जो तू हिंदू संस्कृति सिखा रही है तो जिस पेज पे तू जाके बोल रही है ये सब चीज़ें उनको क्यों नहीं सिखाई? मतलब कहने का मतलब है अरमान मलिक, अरमान मलिक की दो दो वाइफ हैं, तो वहाँ जाके हिंदू संस्कृति सिखाना कि हिंदू संस्कृति में सिर्फ एक वाइफ रखना अलाउ होता है, एक के साथ जब तलाक हो जाए तब दूसरी रहती है, वहाँ क्यों नहीं सिखाती है? ज़्यादा हिंदू संस्कृति तुम्हें सिखानी आ रही है। तो एक के बाद एक इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, उधर दीपिका आर्या ने इंस्टा पे रील्स बनाई, वहाँ तहलका ने भी बनाई कि भाई तू तो मे करती रहती है। इसी पे चंद्रिका दीक्षित बोलती है कि भाई तुम मेरी आवाज़ का मजाक उड़ा रहे हो, मतलब मेरी बोली भाषा का मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। और चंद्रिका दीक्षित ने बोला था भाई मैं तुम्हारे ना सारे राज खोल दूँगी, एकदम से बूम कर दूँगी। तो दीपिका कहती है तू भाई बूम कर, तो तूने तो एक एग्जांपल सेट कर दिया ना कि कल को अपनी पहले तो मदद करवा ली और उसके बाद बोलती है मैं देखना नहीं चाहती हूँ, और तुम क्या सोच रही है कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ? तो तूने भी तो कंट्रोवर्सियाँ करी थी, मैं अगर जाऊँगी तो मैं इज्जत से जाऊँगी, मैं तेरी तेरे लड़ाइयाँ करके नहीं जाऊँगी। अब चंद्रिका दीक्षित जो है वो उनकी जो टीम के जो लोग थे तहलका भाई के साथ, अब वो जो जिनको बोल रही हैं कि अब ये मेरे भाई बन चुके हैं, तो उनको साथ में बिठा के एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि बताओ कि तुमने मेरी हेल्प की थी ना और किस तरीके से करी थी, और हम वो ऑडियो भी सुना देंगे जिसमें बोला होगा। तो दीपिका तो बोल रही है कि भाई हाँ, अगर व्यूज़ कमाने के लिए कहा था तो कही होगी ये बात, ये गलत नहीं हो सकती, लेकिन तू कितनी एहसान फरामोश है ना, पहले तूने अपनी मदद करवाई और उसके बाद तू सीधा सीधा ये बोल रही। पर देखा जाए तो ये अगर बिग बॉस 18 में जाने के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है तो दीपिका को शुरुआत करनी चाहिए थी, दीपिका ज़बरदस्ती के पंगे लेती ना, लेकिन ये तो चंद्रिका दीक्षित ने लिए हैं ना, ये जो वड़ा पाव गर्ल है ये तो इसने पंगे लिए हैं ना, इसने बोला तहलका प्रैंक को मैं कभी नहीं देखना चाहती हूँ। अगर तेरे पास ये सब चीज़ें थी भाई, उनकी लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे थे और या तुझे इस बात का गुस्सा था कि व्यूज़ कमाने के लिए बोला था, तो पहले बोल देती कि भाई तहलका भाई आप आए थे मेरे यहाँ पे और आपने इस तरीके से अपनी टीम को मदद के लिए नहीं व्यूज़ कमाने के लिए बोला था। अब ये सब चीज़ें बोल के क्या फ़ायदा है? अब तुम कह रहे हो कि वो कॉन्ट्रोवर्सी कर रही है, तो अगर उसको कॉन्ट्रोवर्सी करनी होती तो वो पहले करती, और उसने अगर बोला भी था तो अरमान मलिक की वाइफ के लिए बोला था, और बात वो थी
जब अरमान मलिक ने बिग बॉस में एंट्री ली थी तो उसने बोला था हिंदुस्तान का हर मर्द चाहता है कि उसकी दो बीवियाँ हों। तो इस बात पे दीपिका ने एक वीडियो बनाई थी कि हिंदुस्तान का हर मर्द ये नहीं चाहता और किन लोगों को दिखा रहे हो नेशनल टीवी पे, ऐसी चीज़ें नहीं प्रमोट होनी चाहिए। तो ये कहती है कि कल को तो तुम उनके यहाँ जाके शादियों में नाच के आई थी, ढोलक बजा के आई थी, तब तुम्हें नहीं पता था उनकी दो शादियाँ हैं। तो उसका कहने का ये है कि मैंने उनके कैरेक्टर पर बात नहीं करी, जो स्टेटमेंट दी है गलत कि हर इंसान दो वाइफ चाहता है, मैंने तो उस पर बोला है। और तू कुछ भैरी भी है क्या, मैं तो उनकी शादी में नहीं गई थी, शादी में तो मैं उनकी जानती भी नहीं थी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी गोद भराई के फंक्शन में गई थी, मैं उनकी शादी में नहीं गई थी। और अगर जवाब देना ही था तो भाई अरमान मलिक देता, उसकी वाइफ देती, दोनों, वो क्या बोलने में गूंगी हैं, वो तो खुद लोगों को बहुत जवाब देती घूमती है कि तुझे फालतू का बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत थी, दूसरों के यहाँ दूसरों के पेज पे जाके बोलने की कि मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ। अब जब तुम किसी के बारे में इस तरीके से बोलोगे तो फिर सामने से तो इंसान का रिएक्शन आएगा ही ना कि भाई ऐसे कैसे बोल रही है हमारे लिए। कल के दिन हम तुम्हारी कार्ड पे आए थे और तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग दे के गए थे, और दीपिका ने ये भी बोला है कि भाई हम तो तेरे यहाँ कार्ड पे आके तुझे प्रमोट करके गए थे, बोल के गए थे। क्या जिनके पेज पे तू बोल रही है क्या वो कभी तेरी कार्ड पे आके तुझे प्रमोट किया, उन्होंने कभी तुझे सपोर्ट किया इस तरीके का? हम तो आए, तेरी वीडियो बनाई, जब हमारे व्यूवर्स ने तुझे देखा, इतना भाई प्यार दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उन्होंने भी तुझे वो किया था। और चंद्रा दीक्षित के लिए इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट ही आते हैं, पॉजिटिव कमेंट तो बहुत ही कम होते हैं इसके लिए, अधिकतर नेगेटिव कमेंट ही होते हैं 95%। तो अब इसने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि भाई लोग मुझे पॉजिटिव कमेंट करें। अब ये लोगों के नाम आईडी लिख लिख के रख रही है और कह रही है कि मैं इनमें ना वो निकालूंगी, एक 10 लकी विनर निकालूंगी जिनका मुझे कमेंट अच्छा लगा होगा, और फिर उनको मैं आईफोन गिफ्ट करूंगी, तो ताकि लोग इसको पॉजिटिव कमेंट्स करें। भाई पॉजिटिव कमेंट्स की भी एक तरीके से आप भीख तरीके से मांग रहे हो ना पॉजिटिव कमेंट की, कि मुझे पॉजिटिव कमेंट करो तो मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगी। अरे लोग आपको वैसे प्यार देना वो अलग बात होती है। तो लोग भाई समझ गए इसकी स्ट्रेटजी कि भाई तूने तो भीख मांगना स्टार्ट कर दिया अच्छे कमेंट्स की, लेकिन फिर भी लोग तुझे गालियाँ ही देंगे क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव कमेंट जो इनके अपने टीम के लोग होंगे या कुछ होंगे 1-2% वही लोग करते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट चंद्रिका दीक्षित ने की या दीपिका आर्या ने की, और कौन इसमें सही है कौन गलत है? प्लीज़ कमेंट पे अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।